नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं CUCET के बारे में, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर कमेंट सिर्फ CUCET से रिलेटेड ही होता है। मैं वीडियो बनाता हूँ कि टॉप 10 BBA कॉलेजेस, कमेंट आता है अच्छा CUCET का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नारसिम्हा यूनिवर्सिटी कैसी है, सिम्बायसिस कैसी है, IP कैसी है, कमेंट आ रहा है अच्छा CUCET होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगा कि यार मुझे एक वीडियो प्रॉपर बना ही देनी चाहिए CUCET के बारे में, कि एक्चुअल में अभी तक क्या अपडेट्स आई है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, लगभग लगभग आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी अभी तक की अपडेट से। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा शायद कि CUCET का मतलब क्या है। तो देखो, CUCET का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, गवर्नमेंट ने उसके अंदर 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रखा है और कहा है कि इन 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब अगर 12th क्लास के बाद कोई बच्चा किसी कॉलेज के अंदर जाता है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, और अगर वो यूनिवर्सिटी उन 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आती है, तो आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। चाहे फिर आप BCom कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और एक एंट्रेंस एग्जाम का क्या मतलब है, मान लीजिए कि 54 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर DU भी है, BHU है, JNU भी है, जामिया भी है, सो जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी लगभग हैं। सो उसके अंदर क्या कहा गया है कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को BCom में एडमिशन लेना है, तो जितनी भी 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा BCom के लिए, और तब आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। सो इस तरह से एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसका मतलब था कि CUCET गवर्नमेंट करवाने वाला है। अब देखिए गवर्नमेंट, अब हाँ इस बात को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि इस बार जो एडमिशन्स होंगे उसके अंदर CUCET होने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कोई भी बुलेटिन नहीं आई है कि किस तरह से वो लोग कंडक्ट करने वाले हैं, कैसे होगा, कब होगा, कुछ भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। आई होप आपके बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि कमेंट्स में मेरे अक्सर यही चीज़ पूछी जाती है कि होगा या नहीं होगा। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अभी बुलेटिन नहीं आई है। तो इस मूवमेंट पर आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है। सो इस मूवमेंट पर आप लोग क्या करेंगे, अभी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से करिए। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी बुलेटिन आता है, कोई भी नोटिस आता है, तब आप अपनी प्रायोरिटी चेंज कर देना। जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनकी प्रायोरिटी आप थोड़ी कम करना, और एंट्रेंस एग्जाम की प्रायोरिटी अपनी थोड़ी सी बढ़ा देना। क्योंकि इससे क्या होने वाला है कि जो आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स होंगे उनकी वैल्यू ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि आपको उनके मार्क्स के बेसिस पर यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। आई होप आपके क्लियर हो गई है बातें, कि अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी बुलेटिन नहीं आई है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है। सो अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, जैसे ही यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालती है तुरंत आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रायोरिटीज शिफ्ट कर देना, उसको आप लोग ऊपर ले आना, और जो बोर्ड एग्जाम्स है उसकी प्रायोरिटी को आप लोग नीचे ले आना, और इस तरह से आप लोग पढ़ाई करना अपने शुरू कर देना। अब बात आती है कि मान लीजिए एक बार के लिए कि अगर CUCET होता है तो फिर क्या उसका जो सिलेबस है क्या हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम का। तो देखिए अभी इसके बारे में एग्जैक्टली तो कुछ नहीं आया है, लेकिन हम लोग एजम्पशंस रख सकते हैं कि अगर CUCET होता है तो फिर क्या उसका सिलेबस हो सकता है। तो देखो उसमें क्या हो सकता है कि ये दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो सकता है। एक तो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो होगा, और दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर हो सकता है कि आपका जो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोग एडमिशन लेंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा का सारा पूछा जाए आपसे। तो इस तरह से दो सेक्शंस इसके हो सकते हैं, एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट जिसके अंदर आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं। और इसके लिए मुझे एक चीज और लग रही थी कि जो स्टूडेंट स्ट्रीम चेंज करना चाहता है उसके लिए अगर इस तरह का सिलेबस हुआ तो उसके लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसे फिर वो सब्जेक्ट सारा का सारा पढ़ना होगा। पहले क्या हुआ करता था कि मान लीजिए आपको स्ट्रीम चेंज करनी है तो आप डायरेक्टली स्ट्रीम चेंज कर सकते थे अपनी परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन अब अगर आप स्ट्रीम चेंज करेंगे और अगर एंट्रेंस एग्जाम हुआ और अगर सिलेबस इस तरह से हुआ तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होगा और उसके बाद आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप स्ट्रीम चेंज कर पाएंगे। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी एजम्पशंस ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ रिटर्न में भी आया है। सो रिटर्न में भी कुछ भी नहीं आया है, मैं आपको सिर्फ एजम्पशंस ही बता रहा हूँ। सो आई होप आप समझ गए हैं कि अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया है लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी बुलेटिन नहीं आई है, तो अभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी पर ध्यान दें। लेकिन जैसे ही यूनिवर्सिटी बुलेटिन निकालता है आप तुरंत
अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट कर देना। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी की सारी जो डिटेल्स है CUCET के बारे में वो यहीं पर आ जाएंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि आप लोग थोड़े और कन्फ्यूज हो गए होंगे। लेकिन देखो, अभी तक जो भी नोटिस आया है वही मैंने आपको बताया है, मेरे पास से बनाकर आपको कुछ भी नहीं बताया है। अगर कोई भी यूट्यूबर आपको बोलता है कि भाई ये होने वाला है तो वो गलत बता रहा है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अभी सिर्फ एजम्पशंस हैं। आप लोग अपनी 12th क्लास की प्रिपरेशंस अच्छे से कीजिए और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।